अच्छी बात है दोस्त, आप एक स्मार्टफोन लेने वाले और आपका बजट है अंडर 20,000, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा वाला स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट होगा। तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 स्मार्टफोन के बारे में जो आपको 15,000 से 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीडियो में देरी ना करते हुए चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सोमन, आप देख रहे हो टेक्नोगाइन। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में पास में रखा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। तो पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो दोस्तों IQ Z7 5G, ये वाला स्मार्टफोन मुझे इस प्राइस पॉइंट पे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिल जाएगा और कैमरा में OIS भी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। तो फीचर्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ, साथ ही में दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाएगा। 64 MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप है, OIS के साथ आता है, 16 MP का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 920 वाला 5G प्रोसेसर भी देखने को मिलेगा, 4,500 mAh की बैटरी भी देखने को मिलेगी और 44W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 विथ फनटच OS 13 देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 6GB 128GB इसका प्राइस यहाँ पे निकल के आता है 19,000 के करीब, और यहाँ पे 8GB 128GB का प्राइस निकल के आता है 20,000 के करीब। तो मतलब मैं जब चेक कर रहा था ये प्राइस था, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप जब देखे तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। देखो दोस्तों, आईकू पसंद नहीं है वीवो ले लो, वीवो का भी एक स्मार्टफोन है वीवो T2, ये वाला स्मार्टफोन सेम फीचर्स के साथ आता है, सेम प्राइस वगैरह भी है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेसर थोड़ा सा अलग है। मतलब यहाँ पे आपको MediaTek नहीं, यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। फीचर्स के बारे में बात करूँ तो दोस्तों सेम फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, 6 इंच की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में 90Hz की रिफ्रेश रेट, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप जिसके अंदर आपको OIS देखने को मिलेगा, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगी, 16 MP का सेल्फी कैमरा, 4,500 mAh की बैटरी, 44W का फास्ट चार्जिंग, और इसका प्राइस जो निकल के आता है 6GB 128GB का 19,000 रुपये और जो 8GB 128GB है उसका 21,000 रुपये प्राइस निकल के आता है, लेकिन डिस्काउंट वगैरह लगा के आपको 20,000 के नीचे देखने को मिल जाएगा। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो दोस्तों मोटोरोला G82 5G, ये वाला स्मार्टफोन भी बहुत बढ़िया है। इस फोन की खास बात बोलूं तो दोस्तों इसके अंदर आपको अननेसेसरी एड्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, अननेसेसरी एप्स वगैरह भी देखने को नहीं मिलेंगे, जो गूगल के साथ आता है एप्स वो सारे एप्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि अदर्स कंपनियां क्या करते, ये साबन डाल दिया, नेटफ्लिक्स डाल दिया, अमेजोन डाल दिया, ये सारे एप्स आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, आपके हिसाब से आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों बात करूं अगर इस फोन की फीचर्स की, तो फीचर्स बहुत ही तगड़ा है। यहाँ पे आपको 6.6 इंच की फुल HD+ QLED वाला 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ में दोस्तों 50 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप और 16 MP का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। साथ ही में दोस्तों आपको इसके अंदर 5,000 mAh की बैटरी और 30W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेंगे। प्राइस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 6GB 128GB और 8GB 128GB दो वेरिएंट में आता है। 6GB 128GB का प्राइस है यहाँ पे 20,000 रुपये और 8GB 128GB का जो है उसका प्राइस यहाँ पे 21,500 है, मतलब 21,499 प्राइस निकल के आता है, लेकिन अगर आप ऑफर्स वगैरह लगा लेंगे तो यहाँ पे आपको 20,000 तक देखने को मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे एक चीज इस फोन में बहुत ही बढ़िया लगा, वो है कि मतलब यहाँ पे एड नहीं आता है और कैमरा बहुत ही तगड़ा वाला है। तो ये वाला फोन आप चेकआउट कर सकते हैं। और मोटोरोला ऐसे भी बहुत पॉपुलर कंपनी है, बहुत पुराना कंपनी है, इसका फोन भी बहुत अच्छा होता है। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो दोस्तों इन्फिनिक्स, इसका नाम बहुत ही बड़ा है, नाम बताते बताते गोवा पहुंच जाएगा। इन्फिनिक्स 0 5G 23 टर्बो एडिशन, ये वाला स्मार्टफोन आपको बहुत ही सस्ते प्राइस में देखने को मिलेंगे। फीचर्स बहुत ही तगड़ा है, आपको अगर ज्यादा इंटरनल स्टोरेज चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए तो ये वाला स्मार्टफोन आप ले सकते हैं। इस स्मार्टफोन का एक चीज मुझे बहुत ही खराब लगता है, वो है इन लोगों का OS। OS में थोड़ा सा अपडेट कर लेना तो इन्फिनिक्स बहुत ही अच्छा मार्केट कर लेगा। तो फीचर्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको 6.78 इंच की फुल HD+ 120Hz रिफ्रेश वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 50 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप, 16 MP का सेल्फी कैमरा, 5,000 mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग। और साथ ही में दोस्तों बात करो अगर तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये प्रोसेसर नया है लेकिन
सबसे पहला यही फोन आया था इस प्रोसेसर के साथ। तो ये वाला फोन आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा खासा फोन है। साथ ही में दोस्तों इस फोन के अंदर आपको वही पुराना वाला साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करूं तो दोस्तों एक ही वेरिएंट है 8GB प्लस 256GB, इसका प्राइस आपको 18,000 के करीब देखने को मिलेगा। तो आप ये वाला फोन देख के ले सकते हैं अगर आपको ज्यादा इंटरनल स्टोरेज चाहिए तो। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो दोस्तों Realme Narzo 50 Pro 5G, ये वाला स्मार्टफोन मुझे इसलिए अच्छा लगा, अच्छा खासा प्राइस पॉइंट पे अच्छा खासा फीचर्स के साथ आता है। तो प्राइस के बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। इसके अंदर आपको 6.4 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको MediaTek Dimensity 920 वाला 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 48 मेगापिक्सल वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी और 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। और साथ ही में यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेंगे। प्राइस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB 128GB और 8GB 128GB। 6GB 128GB के बारे में बात करूँ तो दोस्तों उसका प्राइस 18,000 निकल के आता है। अमेजोन पे जाके चेकआउट करना, वहां पे आपको हो सकता है और थोड़ा सस्ता देखने को मिले। तो 18,000 में 6GB 128GB और 8GB 128GB जो है वो आपको 19,000 में देखने को मिल जाएगा। तो लेकिन अमेजोन पे ही चेकआउट करना पड़ेगा, फ्लिपकार्ट में थोड़ा सा ताजा दाम है, मतलब मैंने चेक किया था प्राइस यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे थोड़ा ज्यादा है और अमेजोन पे थोड़ा सस्ता है। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करने से पहले दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम देना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च करके देखना पड़ता है कहाँ पे सस्ता मिल रहा है, क्या फीचर्स अच्छा होगा आपके लिए, बहुत रिसर्च करके मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो इस मेहनत के लिए आप लोग चाहे तो एक छोटा सा लाइक और आपके दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और नए हैं तो चैनल पे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फोन की तरफ। 20,000 के अंदर Realme का और एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, एकदम नया नया निकला है, मतलब आपको अगर अच्छा कैमरा चाहिए डिस्प्ले चाहिए तो ये वाला स्मार्टफोन आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ Realme 10 Pro 5G के बारे में। ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा है और प्राइस भी बहुत ठीक ठाक है। तो इस फोन के फीचर्स के बारे में बात करूँ तो 6.72 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 108 मेगापिक्सल का ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा, 5000 mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स इसके अंदर आपको Realme UI 4 बेस्ड ऑन Android 13 देखने को मिलेंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB 128GB और 8GB 128GB। 6GB 128GB का प्राइस निकल के आता है 19,000 रुपए और 8GB 128GB का प्राइस निकल के आता है 20,000 रुपए, मतलब 20,000 के अंदर अच्छा खासा फोन ये आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको कैमरा भी अच्छा मिलेगा, डिस्प्ले भी अच्छा मिलेगा और साथ ही में परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। देखो दोस्तों ये कंपनी वो कंपनी, ये फोन वो फोन बहुत हो गया। अब मैं बात करने वाला हूँ सैमसंग यूजर्स के लिए, जो लोग सैमसंग को बहुत ही पसंद करते हैं, तो मैं उन लोगों को नाराज नहीं कर सकता क्योंकि मैं खुद सैमसंग यूजर्स हूँ। तो सैमसंग की तरफ से भी हम लोगों को एक स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। ये वाला स्मार्टफोन बहुत ही अच्छा खासा स्मार्टफोन है, मतलब 20,000 के नीचे मुझे यही वाला स्मार्टफोन ठीक ठाक दिखने को मिला। सो इस फोन के फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों 6.6 इंच की फुल HD प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों इसके अंदर आपको Exynos 1280 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, मतलब Exynos का प्रोसेसर है, थोड़ा सा फोन यहाँ पे हीट होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, चलो चल जाएगा। तो इसके कैमरा के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, मतलब सैमसंग का कैमरा और डिस्प्ले तो हर टाइम अच्छा ही होता है। तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप और 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। बैटरी भी यहाँ पे दमदार है, 6000 mAh की बैटरी दिया हुआ है, 25W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको वही पुराना वाला साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी देखने को मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों 6GB 128GB का प्राइस निकल के आता है यहाँ पे 18,000 रुपए और 8GB 128GB का प्राइस निकल के आता है
19,000 रुपए। तो 20,000 के नीचे ये वाला स्मार्टफोन बहुत अच्छा होगा सैमसंग यूजर्स के लिए, तो वो लोग ये वाला स्मार्टफोन ले सकते हैं। अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो दोस्तों Redmi Note 11 Pro Plus 5G, ये वाला स्मार्टफोन भी बहुत तगड़ा स्मार्टफोन है 20,000 के अंदर। इसके अंदर आपको AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, साथ ही में 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिलेगा। चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, साथ ही में दोस्तों यहां पे आपको 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, साथ में दोस्तों यहां पे आपको Qualcomm Snapdragon का 695 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएंगे, फेस अनलॉकिंग देखने को मिल जाएंगे और IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएगा। IR ब्लास्टर क्या है, मतलब एज ए आपका फोन एक रिमोट हो जाएगा, मतलब रिमोट के जैसे आप आपके फोन को यूज कर पाएंगे टीवी एसी जो भी रिमोट एक्सेस है उसको यूज करने के लिए। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको 5000 mAh की बैटरी और 67 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे इसका प्राइस 19,500 से 20,000 के अंदर देखने को मिलेगा, 6GB 128GB। दोस्तों अगले स्मार्टफोन के बारे में बात करूँ तो मतलब मेरे दिमाग से ये निकल ही गया था, मैं फ्लिपकार्ट में ऐसे ही देख रहा था क्या है क्या नहीं है, अचानक से मेरे सामने आ गया मतलब Realme 9 5G स्पीड एडिशन, मतलब ये वाला स्मार्टफोन मतलब कैसे मैं भूल गया, बहुत ही तगड़ा वाला स्मार्टफोन है। इसके अंदर जो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर यहाँ पे आपको एकदम मतलब क्या बोलूँ एक्सट्रीम लेवल का यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस देगा, मतलब गेमिंग वगैरह के लिए परफेक्ट स्मार्टफोन है Realme 9 5G स्पीड एडिशन। तो इसके फीचर्स के दोस्तों बात करूं तो 6.6 इंच की फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ, साथ ही में दोस्तों यहां पे आपको Qualcomm Snapdragon 778G का 5G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग भी यहां पे आपको देखने को मिलेगा, साथ में दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट भी यहां पे देखने को मिलेगा। प्राइस के बारे में बात करूं तो दोस्तों आपका बजट अगर 20,000 है, 20,000 के अंदर ही परफेक्ट स्मार्टफोन होगा, मतलब आपको अगर यहाँ पे गेमिंग वगैरह बहुत अच्छा लगता है या आपको थोड़ा सा गेमिंग खेलने में इंटरेस्ट है तो ये वाला स्मार्टफोन आप चेकआउट कर सकते हैं। 19,000 में आपको 8GB 128GB वाला वेरियंट देखने को मिल जाएगा, तो परफेक्ट स्मार्टफोन है, आप जाके चेकआउट जरूर से कर लीजिए। अगला स्मार्टफोन है पोको X4 Pro 5G, ये वाला स्मार्टफोन भी 20,000 के अंदर एक तगड़ा वाला स्मार्टफोन है। इसकी फीचर्स के बारे में बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, साथ ही में 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ। दोस्तों यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आपको Qualcomm Snapdragon 695 का प्रोसेसर भी देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। ये वाला स्मार्टफोन आपको इसका जो 6GB 128GB का वेरिएंट है वो आपको 19,000 से 19,500 के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों यहीं पे खत्म करते हैं टॉप 10 स्मार्टफोन अंडर 20,000 को। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मेहनत किया यहाँ पे कि मतलब रिसर्च वगैरह करके निकाल के कौन सा वाला स्मार्टफोन आपके लिए परफेक्ट होगा, ये लिस्ट मैंने बनाया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ ये वाला वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपको नहीं लेना हो, आपके दोस्त को लेना हो या आपके दूर के रिश्तेदार को लेना हो, तो आप अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आपको भी मतलब क्या होगा, आपके दोस्त लोग सोचेंगे कि ये बंदा मतलब ये सब वीडियो देख के बहुत जानकारी रखता है, मतलब ये बंदा स्मार्ट है, तो आप जरूर से शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।